जब डर कांटा बनकर चुभने आए और तुम्हारी हिम्मत उसे वापस कर दे, तो समझ लेना तुम समस्या से निकल रही हो। Yes, I did it. Thank you. No need of light. क्या हुआ? रिसीव नहीं करी, मैसेज कर दूं? मैसेज कर, मैसेज कर, बोल देना मैंने उसे बुलाया है। ओह, तो आप यहाँ पर हैं? मैं आपको ही ढूंढ रही थी। फ्लाइट के लिए अभी टाइम है, मैं एक बार साईं को मिलकर आती हूँ। जाकर आऊँ क्या? जब तुमने डिसाइड ही कर लिया तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? आप ऐसे क्यों करती हैं? जब भी कुछ पूछती हूँ आप सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देती? जवाब ही सवाल का सेटिस्फेक्शन है, एक्सपीरियंस शेयर करना सलाह है। मैं किसी को जवाब नहीं देती, सिर्फ सलाह देती हूँ। किसी मर्द के कारण एक औरत ने जो कुछ भी खोया है वही बता के तुम्हें आगाह कर रही हूँ, क्योंकि तुम किसी मर्द से मिलने जा रही हो। हेलो, कम इनसाइड। नाइस प्लेस। वन सेकंड। अच्छा ये बताओ, तुम इसे यूट्यूब पर अपलोड कब कर रहे हो? इतनी जल्दी? अभी तो बहुत काम बाकी है। मेक इट फास्ट, यू मे गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर योर फिल्म। या डेफिनेटली, उसे तो आना ही पड़ेगा। इतना कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरी हेल्प करने के लिए एक स्टार हीरोइन अपना लेवल छोड़कर मेरे साथ काम कर रही है। कॉफी मैम। मुझे लगा था तुमने मुझे यहाँ कुछ पूछने के लिए बुलाया है। लगता है तुम तो सब जानते हो। मुझे लगा मैं ए टू जेड जानता हूँ, पर ए और जेड के बीच का फर्क जानकर मैंने सॉरी कहने के लिए बुलाया। सॉरी, व्हाई? मुझ जैसे एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर को एक नेशनल फिल्म आर्टिस्ट मिलने पर मुझे उनसे सीखना चाहिए था, ना कि मुझे उन्हें सिखाना चाहिए। अगर हम इसी तरह दुखी होते रहे तो कैसे चलेगा? वैसे तुम्हारे यूएस प्लान का क्या हुआ? ये बात तो ये कॉफी डिसाइड करेगी। कॉफी कैसे डिसाइड करेगी? तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है, फिर भी तुम मुझसे सुनना चाहते हो ना? मुझे पता है। ये कॉफी मैंने सीखी है। आई नो, आज तक मैंने कभी भी अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं की है, पर अब मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर तुम भी अपना इजहार इस कॉफी के साथ शेयर करोगे तो। व्हाट इज दिस? कम ऑन यार, कॉफी और लाइफ में कुछ ही लेटर्स का डिफरेंस है, बट लव एंड लक्ष्य में बहुत बड़ा डिस्टेंस है, और अभी मुझे मेरा लक्ष्य ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज, आई एम सॉरी। हे, इट्स ओके, आई शेयर इट। सर, जो नहीं है वो कहाँ से आएगा? बैठे बैठे सपने देख रहे हैं क्या? ये सपना था क्या? स्वाति आई क्यों नहीं अब तक? स्वाति, 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 सर, 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 शांति, शांति, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। पुलिस डिपार्टमेंट को इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये क्या है सर, हम लोग इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे हैं आप। क्या आप लोग पूछने के लिए आए हो? देखने से तो ऐसा नहीं लगता। हीरोइन स्वाति के मिसिंग केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने ऑलरेडी एक ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया है। एनकाउंटर में माहिर शिवा ना, वो ऑलरेडी दो बार सस्पेंड हो चुके हैं,
फिर दोबारा उन्हीं को बुलाकर इस केस की जांच करवाना क्या ठीक रहेगा? उस एनकाउंटर में तुम्हारे साथ मैं भी शामिल था, लेकिन पनिशमेंट सिर्फ तुम्हें ही मिला। आपने जो कहा वही नीति है ना सर, एनकाउंटर अच्छे के लिए किया था, तो उसमें गलती क्या है? उसने जो भी किया सरकार ने उसकी सजा दी, लेकिन वो एक ऐसा ऑफिसर है जो इस केस को पूरी तरह से सॉल्व कर सकता है। मैं इंसाफ करके ही सस्पेंड हुआ हूँ, कुछ गलत करके नहीं हुआ सर। तुम चाहे जितने लॉयल रहो, डिपार्टमेंट से सुनना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना हम पुलिस वालों का काम है, समझे आप लोग? ये हीरोइन का मिसिंग केस है, 24 घंटे में ये केस सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं, वैसे ही हम लोग भी अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं। मीडिया क्या है तुम तो जानते ही हो सके तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए प्लीज। आप रिलैक्स रहिए सर, ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। ये हीरोइन स्वाति की कॉल डिटेल्स है सर, लास्ट कॉल कैब ड्राइवर को किया था वो है। hey, पुलिस चल। hey, रुक, पता लड़की कहाँ है? रुक। hey, लड़की कहाँ है रे? क्या किया उसके साथ? रुक। इनसे कुछ भी पता नहीं चलता, अभी तो ये लोग कल ही जेल से बाहर आए हैं, हमें देख के भाग रहा था और एक्सीडेंट हो गया। एम्बुलेंस को फोन करो। कंट्रोल रूम, यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है, एम्बुलेंस भेज दो। एक शॉर्ट फिल्म की थी सर। अच्छा, क्यों करते हो शॉर्ट फिल्म्स? इससे बड़ी मूवीज के ऑफर्स मिलते हैं। शॉर्ट फिल्म्स यूट्यूब में अपलोड करने से उसे देखकर कोई भी ऑफर दे सकते हैं, इजी वे। करेक्ट, इजी वे। बिना मेहनत की अच्छे रेंज में जाना चाहते हो, अच्छा है। और तू? डीओपी सर। डीओपी क्या होता है? कैमरामैन। तुम्हारी फिल्म में हीरो हीरो नहीं है क्या? मैं हूँ सर। कमिंग स्टार। ये जनाब कैसे हीरो लगते हैं? लोगों को जाने दीजिए सर, जब से मैं यहाँ आया हूँ वो ऐसे देख रहे हैं कि कब मुझे मार देगी। तुझे मार के हमें क्या मिलेगा? लाशों को इंट्रोड्यूस कराना ही हमारा काम है। अरे साईं। एक्शन हीरो, वाओ। थैंक यू सर, मैंने बहुत वेरिएशन दिए हैं, इन गधों ने टेक नहीं किया। वैसे इसके लिए पैसे कहाँ से लाते हो? वो तो मैं ही हूँ सर, हीरो का प्रोड्यूसर। ठीक है, ये अनुष्का, त्रिशा, नैना तारा, ये सब भी शॉर्ट फिल्में करती है क्या? नहीं सर, हमारे फिल्म का बजट नहीं होता है और हम कैसे बात करेंगे। मतलब वो सब स्टार्स है ना सर। तुम्हारी हीरोइन भी तो स्टार थी, तो उसने क्यों किया? अब तब तक हमें भी पता नहीं था कि वो स्टार है सर। अच्छा, बाद में पता चला, करने के लिए ब्लैकमेल किया, करोगी नहीं तो जान से मार देने की धमकी दी। कभी नहीं।